आज हम कॉर्डेट्स के कॉर्डेटा फाइलम के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। आपके सिलेबस में मैमल्स को छोड़ के बाकी अन्य क्लासेस के लिए ये ऑर्डर लेवल तक आपको देखना है। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। जब हम कॉर्डेट की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए कि कॉर्डेट बेसिकली सुपर फाइलम ड्यूटेरोस्टोमिया का एक फाइलम है। आपको ध्यान होगा ड्यूटेरोस्टोमिया जो सुपर फाइलम है वो प्रोटोस्टोमिया सुपर फाइलम का सिस्टर क्लेड है, और ड्यूटेरोस्टोमिया जैसे कि आप जानते हैं ये बायलेट्रिया ब्रांच मेटाजोन की बायलेट्रिया ब्रांच से ताल्लुक रखता है। और अगर हम डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर देखें जो कि प्रोटोस्टोम से इसमें डिफर करते हैं वो है ड्यूटेरोस्टोमिक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, पिछले लेटर पे आपसे बात की थी कि जो फर्स्ट ओपनिंग है ब्लास्टोपोर वो यहाँ पर एनस के रूप में डेवलप होती है, जबकि प्रोटोस्टोमिया में ये माउथ के रूप में डेवलप होती है। सुपर फाइलम ड्यूटेरोस्टोमिया के बारे में और बात करें तो यहाँ पर आपको इंटोरोसिली देखने को मिलेगी। इंटोरोसिली के अंदर हमने बोला था कि जो सीलोम है वो इंटेरोसिली प्रोसेस से डेवलप होती है, इनको इंटेरोसिलोमेट्स भी कहते हैं। इंटेरोसिली प्रोसेस के अंदर जो इंटेस्टाइन है उसकी आउट पाउचिंग होती है, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर ड्यूटेरोस्टोमिया जो सुपर फाइलम है उसमें आपको तीन मेजर क्लैड्स देखने को मिलेंगी, जिसके अंदर आपको ये फाइलम्स हैं कॉर्डेटा, और एम्ब्रुलेक्रेरिया के अंदर जो दो फाइलम आ रहे हैं हेमिकॉर्डेटा एंड इकाइनोडर्मेटा। तो हम बात करेंगे कॉर्डेटा के बारे में। जब हम फाइलम कॉर्डेटा की बात करते हैं तो यहाँ पर फाइव सिनेपोमॉर्फीज होनी चाहिए। ये एक मोनोफाइलेटिक फाइलम है। मोनोफाइलेटिक मतलब जितने भी डिसेंडेंट हैं वो एक ही जगह से ओरिजिनेट हुए हैं। तो यहाँ फाइव सिनेपोमॉर्फीज आपको देखने को मिलेंगी। वो फाइव सिनेपोमॉर्फीज जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया था वो हैं डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, ठीक है, इंडोस्टाइल, तीसरा हो गया आपका पोस्ट एनल टेल, चौथा और फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ये पांच सिनेपोमॉर्फीज यहाँ पर सबको सब में आपको देखने को मिलेंगी। एक बार वापस मैं आपको बता देता हूँ कौन से सिनेपोमॉर्फीज हैं इसके अंदर। वन नोटोकॉर्ड, सेकंड डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, थर्ड फेरेंजियल स्लिट्स, फोर्थ पोस्ट एनल टेल और फिफ्थ है इंडो स्टाइल। तो ये पांच सिनेपोमॉर्फीज इस फाइलम में देखने को मिलती हैं। ये एक मोनोफाइलेटिक असेंबलेज है, सभी एक ही से ओरिजिनेट हुए हैं। तो जो कॉर्डेटा ग्रुप है उसमें से सबसे पहले जो ग्रुप सेपरेट हुआ है करीब 700 मिलियन ईयर पहले ही जो ग्रुप सेपरेट हो चुका था। देखिए यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो अर्लीस्ट जो कॉर्डेट फॉसिल आपको मिलते हैं वो फॉसिल आपको थोड़े पुराने देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमने कहा कि इसके बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर फॉसिल रिकॉर्ड सिफेलोकॉर्डेट के नहीं मिल पाते। 541 मिलियन ईयर पहले का सबसे अर्लीस्ट हमें कॉर्डेट फॉसिल देखने को मिलता है, और उसका रीजन ये है कि सिफेलोकॉर्डेट्स यहाँ पर आप फॉसिलाइज नहीं होते। तो सिफेलोकॉर्डेट हालांकि 700 से लेकर के 650 मिलियन ईयर पहले सेपरेट हो चुके थे कॉर्डेट लाइन से, और सिफेलोकॉर्डेट्स का जो सिस्टर क्लैड है वो ऑल्फैक्टर्स है,
ये एक क्लैड है, इसका कोई एक टैक्सोनॉमिक पोजीशन फाइलम या सब फाइलम जैसी नहीं है, ये एक क्लैड है। तो इस क्लैड में यहाँ पर आप ये याद रखिएगा कि ये जो सेपरेशन हुआ वो इस आधार पे हुआ कि जो फेरिंजियल फेरिंग्स है, डेवलप फेरिंग्स है, उसमें रेस्पिरेटरी फंक्शन है या नहीं। तो सिफेलोकॉर्डेट्स में जो फेरिंग्स है उसमें रेस्पिरेटरी फंक्शन नहीं होता, जबकि ये जो दूसरा ग्रुप था जो कि मेजर ग्रुप कंस्टिट्यूट हो रहा है, वहां फेरिंग्स के साथ में आपको रेस्पिरेटरी फंक्शन देखने को मिलेगा। एक चीज और याद रखिए कि सिफेलोकॉर्डेट्स में जो नोटोकॉर्ड होती है वो परसिस्टेंट होती है, पूरी लेंथ के अंदर होती है। इसका जो एग्जाम्पल है आप उसको एम्फियोक्सिस के रूप में देखते हैं। तो यहाँ कोई फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है। अर्लिएस्ट फॉसिल रिकॉर्ड जो हमें प्राप्त हुए थे वो कैम्ब्रियन पीरियड से प्राप्त हुए थे, चेंजियांग फौना, जो कि चेंजियांग काउंट्री चाइना के अंदर आप मिला था। तो वहां सबसे पहले फॉसिल आपको प्राप्त हुए थे 541 मिलियन ईयर आगो। ऑल्फैक्टर्स की हम बात करें तो यहाँ से दो सब फाइलम ओरिजिनेट हुए। जो सेपरेट हुआ फाइलम ट्यूनिकेटा करीब 520 मिलियन ईयर पहले, इसके कुछ फॉसिल रिकॉर्ड हमें मायोशियन सैंड सेल के अंदर मिलते हैं जो कि चाइना में ही है। कैम्ब्रियन पीरियड में इसके हमको फॉसिल रिकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं। आज की तारीख में करीब 3051 स्पीसीज इसके अंदर आती हैं। तो इस ग्रुप की अगर हम बात करें ट्यूनिकेटा, तो इसमें मुख्य जो कैरेक्टरिस्टिक डेवलपमेंट था वो ये था कि जो मायोमेरिक सेगमेंटेशन था वो इसमें नष्ट हो गया, खत्म हो गया। केवल इसके कि जो गिल स्लिट्स हैं उनमें सीरिएशन हमें देखने को मिलता है, अदरवाइज कोई इसके अंदर मायोमेरिक सेगमेंटेशन नहीं है। बाकी वर्टिब्रेटा या क्रेनिएटा सब फाइलम के अंदर आपको मायोमेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। ट्यूनिकेटा को हम यूरोकॉर्डेटा के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करें सिफेलोकॉर्डेट, जैसे मैंने आपको कहा कि नोटोकॉर्ड परसिस्ट करती है थ्रू आउट लाइफ, और एग्जांपल इसका एम्फियोक्सस है। सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेट की जो क्लास है वो है लेप्टोकार्डी, और इसके अंदर ऑर्डर एम्फियोक्सीफॉर्मिस आता है जिसमें आपका एम्फियोक्सिस आएगा। आगे हम बढ़े। दूसरा जो सब फाइलम हमने देखा था दैट वाज ट्यूनिकेटा। तो ट्यूनिकेटा की हम बात करें तो ट्यूनिकेटा के अंदर जैसा कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, यहाँ पर तीन क्लासेस हैं। वन इज एसिडिएशिया, सेकंड इज थेलिएशिया, और थर्ड इज लार्वेशिया या अपेंडिकुलेरिया। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अपेंडिकुलेरिया में एक ऑर्डर है कॉपिलेटा, थेलिएशिया में तीन ऑर्डर है पायरोसोमिडा जिसमें पायरोसोमा आता है, साल्पिडा जिसमें साल्पा आता है, और डोलियोलिडा जिसमें डोलियोलम आता है। कॉपिलेटा जो हमने बात की अपेंडिकुलेरिया में, आपने अपेंडिकुलेरिया या लार्वेशिया का एक एग्जांपल आपको पढ़ना होगा, वो है ओइकोप्लूरा। तो ओइकोप्लूरा कॉपिलेटा ऑर्डर के ओइकोप्लूरिडी फैमिली में आता है, तो वो एक एग्जांपल आपको पढ़ना हो सकता है। इसके अलावा एसिडिएशिया, एसिडिएशिया की अगर हम बात करें तो ये एक पैराफाइलेटिक ग्रुप है। पैराफाइलेटिक का मतलब है कि इसमें जितने भी ये आपको डिसेंडेंट्स दिख रहे हैं वो एक से डिसेंड नहीं हुए हैं, इनका सबका एंसेस्टर कॉमन नहीं है। खैर, यहाँ पर आपको तीन ऑर्डर खासतौर पे देखने को मिलेंगे, एप्लोसो ब्रेंकिया, फ्लेबो ब्रेंकिया और स्टोलिडो ब्रेंकिया। ये तीन ऑर्डर आपको यहाँ पर विशेष तौर पर देखने को मिल रहे हैं। इसका इवोल्यूशन की हमने बात करी, इसके अंदर आपको कुछ जो एग्जांपल आप देखेंगे, हार्डमानिया ये एग्जांपल आपको खास तौर पे देखने को मिलेगा, आप इसको पढ़ेंगे। आगे हम बढ़ते हैं, बात करते हैं हम क्रेनिएटा या वर्टिब्रेटा सब फाइलम की। सबसे बड़ा, सबसे विशाल,
यही सब फाइलम है। वर्टिब्रेटा से जिसमें निकाह सबसे विशाल है, करीब 70,000 69,963 स्पीसीज नॉन है इसके, तो सबसे बड़ा ये असेंबलेस है। इसके अंदर जॉले स्पीसीज आती हैं, जॉड वर्टिब्रेट्स आते हैं, टेट्रापोड्स आते हैं, बोनीफिसेस वगैरह आती हैं। हम देखें 7.7 mm के एनिमल, सो एक फ्रॉग है उससे लेकर के 33 मीटर तक की वेल तक यहाँ आपको मिलेंगे। करीब 525 मिलियन ईयर अगो कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन में ऑब्वियसली ये ग्रुप जिसको हम सुपर फाइलम सब फाइलम के रूप में देख रहे हैं, ये इवॉल्व हुआ। जो अर्लीएस्ट अगर फॉसिल्स की बात करें तो माइलिनो फुलेल MYLINOFULALE माइलिनो फुलेल अर्लीएस्ट नॉन वर्टिब्रेट है। इसके अलावा एक और जो अर्लीएस्ट है वो है हाइकोयूथिस HAIKOUICHTHYS। तो ये हाइकोयूथिस भी अर्लीएस्ट नॉन में आता है। यहाँ पर जो एक क्रेनिएटर शब्द का इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब ये है कि यहाँ पर ब्रेन का फॉर्मेशन हो गया है। तो क्रेनिएटर सब फाइलम में ब्रेन का फॉर्मेशन, या अगर आप वर्टिब्रेटा इसको बोलते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टिब्री के रूप में कन्वर्ट हो चुके हैं, रिंग ऑफ बॉनी वर्टिब्रीज, तो इसलिए इसको हम वर्टिब्रेटा भी कहते हैं। आगे हम बात करें तो यहाँ पर आपको दो क्लेट्स देखने को मिलेंगे, वन इज अग्नेथा एंड सेकंड इज नेथोस्टोमेटा। तो यहाँ पर अग्नेथ की अगर हम बात करें तो उसमें सुपर क्लास साइक्लोस्टोमेटा हमें देखने को मिलती है, दिस इज सुपर क्लास साइक्लोस्टोमेटा। इस सुपर क्लास साइक्लोस्टोमेटा के अंदर दो क्लासेस हैं, मिक्सिनी एंड पेट्रोमाइजोनटिडा। मिक्सिनी में आपने जैसा भी पढ़ा होगा हैगफिश आती है जिसको हम मिक्सिन कहते हैं, और ऑर्डर इसका है मिक्सिनी फॉर्मीज, और मिक्सिनिडी फैमिली में आएगा आपका मिक्सिन। नेमा मिक्सिन भी इसमें आता है, नियो मिक्सिन भी आता है, नोटो मिक्सिन भी इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा दूसरा जो क्लास है इसकी वो है पेट्रोमाइजोनटिडा, इसको हाइपर एओटिया भी कहते हैं। इसमें लैम्प्रेज आएंगे जिसमें आपने पेट्रोमाइजोन पढ़ा होगा या पढ़ेंगे, पेट्रोमाइजोन आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑर्डर जो है वो है पेट्रोमाइजोनटिफॉर्मीज, दिस इज क्लास पेट्रोमाइजोनटिडा, ये क्लास है, इसका ऑर्डर होगा पेट्रोमाइजोनटिफॉर्मीज, जिसके अंदर पेट्रोमाइजोन माराइनस जिसको आप पढ़ेंगे उसे हम इंक्लूड करते हैं। सेकंड इस वर्टिब्रेट से जो ग्रुप सेपरेट हुआ वो है नेथोस्टोमेटा। जैसे आपने अग्नेथा पढ़ा, अग्नेथा का मतलब होता है जिसमें जॉ नहीं हो, अग्नेथा जिसमें नेथा मींस जॉ नहीं हो। तो यहाँ पर जब आप नेथोस्टोमेटा पढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि जहां पर जॉ मौजूद है, वर्टिब्रेट्स विथ जॉ, दिस इज अ इंफ्राफाइलम, ये एक इंफ्राफाइलम है। ठीक है, अग्नेथा सुपर क्लास थी, ये एक इंफ्रा फाइलम है जिसका नाम है नेथोस्टोमेटा। सबसे पहले इससे जो एक एक्सटिंक्ट हो चुकी क्लास है वो सेपरेट हुई, ये एक्सटिंक्ट आर्मर्ड फिश की क्लास है जिसको हम कहते हैं प्लेकोडर्मी। ये एक्सटिंक्ट है मींस अब इसका कोई मेंबर जीवित नहीं है, इन फिशेस के ऊपर हैवी आर्मर हुआ करता था। नेथोस्टोमेटा से एक और क्लेड जो इसके सेपरेशन के बाद डेवलप हुई दैट इज नॉन एज यू नेथोस्टोमेटा, दिस इज ए क्लेड ओनली।
तो यहाँ पर दो क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी, प्लेकोडर्मी भी क्लास थी, अब यहाँ जो इस क्लेट से दो क्लासेस देखने को मिल रही है, वन इज कॉन्ड्रिस्थीस मीन्स ऐसी फिशेस जिनमें कार्टिलेज मौजूद है, एंड ऑस्टेक्थीस ऐसी फिशेस जिनमें बोन्स मौजूद है। तो ये बोनी फिशेस हैं और ये कार्टिलेज कार्टिलेजिनस फिशेस हैं। इनके बारे में हम आगे ऑर्डर लेवल तक और डिटेल देखेंगे। जो बोनी फिशेस हैं, अगेन यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जो कॉन्ड्रैक्टिस है, कॉन्ड्रैक्टिस वाज क्लास, ये एक क्लास है इस क्लास, और ऑस्टेक्थीस जो है वो एक सुपर क्लास है। तो इस सुपर क्लास ऑस्टेक्थीस से जो दो क्लासेस डेवलप हुई, वन इज एक्टिनोप्टेरिजाए मीन्स एक्टोमिनी मीन्स रेस, तो यहाँ रेस फिंड बोनी फिशेज हैं, और सार्कोप्टेरिजाए ये क्लास है सार्कोप्टेरिजाए, सार्को मीन्स जहाँ फ्लैशी हम बात करें तो लोब फिंड फिशेज के अंदर शामिल होती हैं। तो यहाँ पर अगर आप आगे देखेंगे सार्कोप्टेरिजाए, तो सार्कोप्टेरिजाए से आगे आपको दो यहाँ पर देखने को मिलेंगे सब क्लास, वन इज एक्टिनिस्टिया, एक्टिनिस्टिया जो सब क्लास है उसमें सीलोकेंथ शामिल होते हैं, और एक क्लेड देखने को मिलेगा रिपिडिशिया, रिपिडिशिया जो क्लेड है उससे आपको दो आपको इसमें डाइवर्जन देखने को मिलते हैं, वन इज लंग फिशेस जिसको हम डिप्नोमोर्फा कहते हैं, ये भी एक क्लेड है, और डिप्नोमोर्फा से जो आपको सब क्लास देखने को मिलेगी दैट इज कॉल्ड डिप्नोई। इस डिप्नोई सब क्लास के अंदर अगेन दो आपको ऑर्डर देखने को मिलेंगे, सिरेटो डोंटिफॉर्मिस और लेपिडो साइरिनी फॉर्मिस, और एक जो आप टेट्रापोड देखेंगे, अगेन आप उसमें सारा आगे हम एम्फीलिया से लेकर के सारी के सारे हम आगे पढ़ेंगे, फोर लोब्ड वर्टिब्रेट्स। तो फोर लोब्ड वर्टिब्रेट्स जो हैं, जिसको हम कहते हैं टेट्रापोडा, वो एक्चुअली इनका इवॉल्व जो हुए हैं सार्कोप्टेरा से हुए हैं। तो ये एक सुपर क्लास है दैट इज टेट्रापोडा, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट टर्न पर हम इनकी जो डिटेल्स हैं कॉन्ड्रैक्टिस, ऑस्टेक्टिस, सार्कोप्टेरिजाए, डिप्नोई, टेट्रापोड, इनकी क्लासिफिकेशन की डिटेल्स देखेंगे। धन्यवाद।